और आज है 16 दिसंबर 2020। अभी वैसे मैं बैकग्राउंड देख के समझ में आ रहा होगा कि अभी मैं आया हूँ ऐसे GIC, लेकिन यार एक चीज़ यहाँ पे पता है यार, तो पार्किंग इन लोगों ने पहले जितने भी बच्चे बच्चे खेलने आते थे ना तो बाइक वाइक अंदर लेके आ जाते थे, बट अब इन्होंने पार्किंग बंद कर दी। अब गाड़ी मैंने रखी है अपनी बाइक, ये जो पीछे वाला गेट दिख रहा है इसके पास में, चली तो नहीं जाएगी, रुक जाओ कहीं और रख के आते हैं। तो भाई बाइक मैंने अभी खड़ी कर दी है सिद्ध सर मंदिर पे। जब से इन्होंने एंट्री बंद कर दी है ना, ये तो ये वाली पहले फील्ड हुआ करती थी, यहाँ भी बच्चे खेलते थे बहुत भयंकर क्रिकेट, लेकिन अब देखो घास इतनी बड़ी बड़ी हो गई ना कि अगर बॉल आ जाए तो भाई बॉल मिले ही ना। मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी। वैसे इसको ना अभी 2-3 साल पहले ये ऐसा रेनोवेट हुआ है, पहले तो बिल्कुल खंडर ही दिखता था। पास से दिखाते हैं, वैसे ना ये मेन रोड है, मेन गेट आने का, लेकिन अब बंद कर दिया उन्होंने, अंदर बाइक वाइक की एंट्री बंद कर दी। थोड़ा सा इसको भी देख लें, पता नहीं कुआ वुआ सा जैसा लग रहा है। कौन है भाई? यार है तो वैसे एक कुआ ही, लेकिन सूखा पड़ा है, यही बहुत पुराना है। ये इमली का पेड़ है, यही बहुत पुराना पेड़ है, और यहाँ पे यहीं कहीं शायद एक बरगद का पेड़ था, और वो तो भाई क्या हुआ था कि जो बरगद का पेड़ था ना वो टूट गया था। उसके बाद टूटने के बाद ना उसको फिर से बहुत कोशिश की गई कि वो फिर से ज़िंदा हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। और बहुत मोटा पेड़ था यार, जो लोग वैसे GIC में पढ़ते होंगे तो वो कमेंट में मुझे बता देना कि उस पेड़ की क्या हिस्ट्री है, कितना पुराना था। उसको वैसे कोशिश बहुत की गई थी, मैंने भी ज़्यादा न्यूज़पेपर। बना था 1921 से, क्या लिखा 1996, हरी हीरक जयंती, वेरी गुड। वैसे इसे अभी 3 या 4 साल पहले इसको थोड़ा सा इतना सा हेरिटेज लुक दिया गया है, पहले ये बहुत ही ज़्यादा खंडर था, अंदर से भी खंडर टाइप ही था और बाहर से भी खंडर टाइप ही था। और पता है एक चीज़ और, मैंने 2010 में GIC में हाई स्कूल के पेपर दिए हैं पहले, क्योंकि सेंटर जाता था ना बोर्ड के, तो मेरा सेंटर GIC पढ़ा था, तो 2010 में मैंने अपने हाई स्कूल के एग्जामिनेशन GIC में ही दिए थे। गेट तो खुले हैं अंदर तक, शायद कोई प्यून व्यून बैठा है। राम राम दादा, जो कह रहे हम तो ना अंदर तक घूम ले, धन्यवाद। अंदर तक देख ले, वेरी गुड। ये भाई साहब ये हॉल है, बहुत अच्छा। अरे ये तो पूरा ही बदल गया भाई साहब, इस हॉल में सीलिंग वीलिंग देखो एक नंबर हो गई, बहुत बढ़िया यार। 2016 मेरा मतलब, अच्छा हाँ, अखिलेश जी ने करवाया था, मतलब ये तो बहुत एक नंबर हो गया बिल्कुल, है ना। आपका नाम क्या दादा?
आरपी कुशवाहा। वैसे अभी दादाजी मिले, दादाजी ने बोला कि अंदर घूम लो देख लो, तो मैं भाई अंदर घूम गया। अच्छा, वो गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से हो गया ना। ये देखो ये कॉरिडोर पूरा बहुत अच्छा बन गया, बहुत अच्छा। ये सारी क्लासेस व्लासेस हैं, अभी तो फिलहाल क्लासों में ताले लगे हैं, ये सारी क्लासों में अभी तो बंद है। मुझे हालांकि याद नहीं मैंने किस वाले रूम में पेपर दिए हैं, बट यार मज़ा ही आ गया देख के तो यार। गार्डन वार्डन, ये पूरे गार्डन वार्डन देखो सब एक नंबर चल रहे हैं, फूल वूल खिल रहे हैं। ये वैसे कॉलेज के पहले क्या था आपको पता है? अच्छा 1921 से स्कूल ही है। अच्छा 1921 सही कह रहा हूँ, 1921 में ये श्री के सी भट्टाचार्य जी लिखे ही माना जाता है। सही कह रहा है, लिखा था ये, मतलब 1921 से ये तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। हाँ हाँ, मगर ये काट नहीं सकता कोई। इसमें पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये 1921 में कोई प्रिंसिपल थे केसी भट्टाचार्य जी, है ना। ये वैसे प्रिंसिपल साहब का ऑफिस है। सही कह रहा हूँ, धन्यवाद उनका। हाँ वही तो। अच्छा इस साइड भी पूरा, ये भी पूरा कॉरिडोर है, ये भी पूरा थ्रू कॉरिडोर क्लास है। अच्छा 1 से 11 तक वहाँ पे, 12 से 23 तक यहाँ पे, और यहाँ पे भी 31, 32, 33 सब कार्यालय और लैब। अच्छा ये सब कार्यालय लैब, कार्यालय लैब है। हाँ चाचा एक बार अपना नाम और बता दो। आर पी कुशवाहा जी। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आरपी जी का कि उन्होंने थोड़ा सा हमें अलाउ किया अंदर जाने के लिए। हाँ क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग, क्या है ना झांसी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई और स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि भाई अपना गवर्नमेंट कॉलेज भी गवर्नमेंट स्कूल भी इतना अच्छा हो चुका है। तो पढ़ाई का स्तर जो भी है, पढ़ाई पहले कि पहले जितनी बच्ची यहाँ से निकलेगी वो सब विदेशों में है। इतनी अच्छी पढ़ाई थी, अभी भी पढ़ाई अच्छी है। अभी ये जाली फाली अभी लगी है। हाँ जाली वाली तो ये सब अभी लगी, चैनल तक नहीं थे केवल। हाँ। आमने सामने चैनल थे केवल। अच्छा अच्छा ये थे बस, ये बस क्लास होगी और पूरा खुला था, पूरा खुला था, और उस समय एक बच्चा बाहर नहीं जा सकता। इतना डिसिप्लिन हुआ करता था ना पहले, डिसिप्लिन था यहाँ। अब तो बच्चे भी, उन्हें भी खुली छूट चाहिए और पढ़ाई लिखाई सब सब संस्कार भी है, समाज अभी है। हाँ वो तो है, अब माँ बाप को नहीं छेड़ रहे बच्चे, ये तो है, तो अब गुरुजनों को छेड़ेगा। सही बात है, समय का प्रभाव है। लेकिन भाई जो लोग भी अगर झांसी में भी इंग्लिश मीडियम में या और कहीं पढ़ रहे हैं ना, एक बार भाई अपना गवर्नमेंट कॉलेज भी आके देखो। हाँ। कि ये भी आपके उस कॉलेज से कम नहीं है जो जहाँ पे आप अभी पढ़ रहे हो। भाई इधर जो टीचर है वो क्वालिफाइड है। अभी प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे? पी के मौर्या। चलो सही है, स्मार्ट क्लासेस बन रही है जो कंप्यूटर द्वारा पढ़ाई जा रही है। अच्छा अभी स्मार्ट क्लासेस भी बन रही है। स्मार्ट क्लासेस बन रही हैं, सौर ऊर्जा प्लांट भी लगाया है, और क्या चाहिए भाई? 20 वाट का, 15 का उस साइड और 5 का। अच्छा 15 का उस साइड 5 का साइड, पूरा 20 वाट का सौर ऊर्जा प्लांट भी है, स्मार्ट क्लासेस भी हैं। सही है, प्राइवेट कॉलेज में 2-2, 2.5-3, 3-4 हज़ार फीस देते हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और पढ़ाई भी भाई सरकारी कॉलेज कम थोड़ी है। यहाँ तो 500-700 रुपए पूरी साल में, पूरी साल स्कॉलरशिप अलग जाएगी, 1800 स्कॉलरशिप अलग है। वही तो कह रहे हैं, और किताबें अलग हैं, ड्रेस। सही कह रहा हूँ, और 8 तक मिड डे मील भी 8 तक, खाना पीना। सही कह रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और, ये अभी गेट ये बंद होने लग गया, पहले तो पूरा खुला था, तो डीएम साहब के ऑर्डर से बंद। अच्छा डीएम साहब के ऑर्डर से बंद हो गए। वगैरह ज्यादा बोलवाला हो रहा था उनका। अच्छा अच्छा, मान नहीं रहे थे। सही बात है, डीएम साहब निकले होंगे एक दिन। हाँ। तो उन्होंने ये बंद करवा दिया सब। अच्छा तो भाई जीआईसी गेट डीएम साहब ने बंद करवाया। सही बात है, अब वो है कि जी घूमने वाले खेलने वाले बच्चों को आने देते हैं। हाँ बस वही, बस के बाद, और पहले सब प्रकार के लोग आते थे। हाँ सब वाणी शराब सब यही दारू वारू पीते बैठ जाएंगे, और अगर रोकेंगे अब रात में कर्मचारी मारने के लिए तैयार हो जाए, पीने वाले वालों को कौन। सही बात है, ये है समस्या।
ये देखो भाई, गवर्नमेंट कॉलेज में कैमरे लगे हैं बाकायदा, एक वो लगा है, ये लगा है, हर जगह कैमरे फिट हैं। नब्बे स्कूल में भैया बता रहे हैं 90 कैमरे लगे हैं। क्या चाहिए यार, इतना तो प्राइवेट स्कूलों में नहीं लगे होते कैमरे, सभी चालू हैं। अच्छा, और एक चीज, ये जो बरगद का पेड़ था यहाँ पे, हमने सुना गिर गया था, दूसरा लगा दिया। अच्छा, दूसरा लगा दिया, उसके क्या, कैसे गिर गया था ये? वो आंधी बार, और वो बहुत पुराना पेड़ था, पुराना पेड़ था वो, तूफान तेज था वो। अच्छा, और फिर उसको हालांकि बचाने की बहुत कोशिश की ना, उसके बाद लगवा दिया था। अच्छा, लगवा दिया, मशीन से दोबारा लगवा दिया था। अच्छा, पनपाने, हाँ, जेसीबी से उसको दोबारा लगवा दिया था, लेकिन मृत्यु हो गई उसे, नहीं ना, मुश्किल है। सही बात है। अब वो समझ लो, जब से 1900 स्कूल चला जब का था वो, हाँ, 1921 मतलब 80-90 साल पुराना था। समझ लीजिए आप, और फिर अभी नया लगा दिया, अभी नया लगा। चलो सही है, तो उसकी जगह पे भाई दूसरा पेड़ लग गया। हाँ, वो तो है। चलो ठीक है अंकल, नमस्ते। तो भाई अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो बरगद का पेड़ टूटा था, तो ये दो पेड़ लगे हैं, एक ये लगा है, एक ये लगा है। अच्छा, आई होप आपको वीडियो तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और नीचे कमेंट भी कर दो। और अगर अच्छी नहीं लगी है तो भाई दो बार डिसलाइक करो वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।